हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेगमेंटेड सीव, राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन और कैसे हम इसका सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन कम और एल्गोरिदम ज़्यादा है, तो चलिए एक बार फिगर आउट करते हैं, राइट। तो क्या करना है मुझे, जनरेट ऑल प्राइम्स बिटवीन ए टू बी। दैट मीन्स मुझे एक अपर रेंज और लोअर रेंज मिलेगी, इनके बीच के सारे प्राइम नंबर जेनरेट करने हैं, ठीक है। प्रिंट करना है हर एक प्राइम नंबर को एवरी न्यू लाइन में, ठीक है। अलाउड कम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन। तो एन इंटू लॉग ऑफ एन तो कॉम्प्लेक्सिटी सुनी सुनी सी है ना। तो बेसिकली ये सीव एल्गोरिदम का ही एक्सटेंशन पार्ट है। सीव एल्गोरिदम में क्या था क्वेश्चन, कि आपको एक अपर रेंज मिलेगी, तो स्टार्टिंग से लेकर मतलब टू से लेकर एंड तक की जो जितने भी प्राइम नंबर थे उनको जनरेट करना था। यहाँ पे क्या है, ए से लेकर बी तक के सारे प्राइम नंबर को जनरेट करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार बोर्ड पर नजर डालते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं और कैसे कैसे हम इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ अप्रोच बताता हूँ जो अमूमन स्टूडेंट से मैंने सुनी है, राइट। तो ध्यान से देखिए, अप्रोच नंबर, इसको मैं बोलूंगा अप्रोच नंबर जीरो, राइट। अप्रोच नंबर जीरो, अप्रोच नंबर जीरो क्या होती है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बोला कि ए से लेकर ए टू बी ऑल प्राइम्स बता दो, राइट। प्रिंट ऑल प्राइम्स, प्रिंट ऑल प्राइम्स। तो आप कहोगे सर बहुत ही इजी है, मैं क्या करूंगा, मैं ए टू बी बेसिकली ए से लेकर बी तक ट्रेवल करता रहूंगा एंड चेक कर लूंगा, चेक प्राइम फॉर एवरी नंबर, ठीक है। चेक प्राइम फॉर एवरी नंबर, मैंने कहा वेल एंड गुड, चलेगा। बट एक बार के लिए, खाली एक बार के लिए आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर नजर डालिए, राइट। अगर आप उस तरीके से करते हैं तो बेसिकली अगर मैं इनको एन नंबर्स मान लूं तो एन इंटू रूट एन की नियरली कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। एन इंटू रूट एन, एन एट्रिशंस और एक की कॉम्प्लेक्सिटी प्राइम नंबर की रूट एन, राइट। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन, राइट। तो इससे नहीं कर सकते, दैट मीन्स इससे नहीं हो सकता। अब देखिए और कुछ सोचते हैं, अप्रोच नंबर टू, राइट। अप्रोच नंबर टू ये मतलब चल जाएगा बट कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज नहीं कर पा रहा, राइट। अप्रोच नंबर टू जो आती है माइंड में वो क्या है, इसको अप्रोच नंबर वन बोलते हैं बिकॉज जीरो बोल दिया उसको, तो ये हो गया अप्रोच नंबर वन, ठीक है। क्या कर दूंगा, जनरेट कर लूंगा प्राइम एरे, जनरेट प्राइम एरे यूजिंग सीव। आपने सीव एल्गोरिदम पढ़ लिया है, अगर आपने सीव नहीं देखा ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार के लिए प्लीज जाओ और सीव एल्गोरिदम देख के आओ, राइट। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप उसे यूट्यूब की प्लेलिस्ट, हमारी एरेज एंड स्ट्रिंग की प्लेलिस्ट से भी आपको वो क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार उसे देख कर आइए बिकॉज उसका भी यूज हम यहाँ पे करेंगे, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये उसी का एक्सटेंशन पार्ट है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो अमूमन दूसरी अप्रोच बताते हैं स्टूडेंट वो क्या बोलते हैं कि जनरेट करूंगा प्राइम ऑफ एरे यूजिंग सीव और अपर रेंज तक की प्राइम को जनरेट करूंगा बी तक की, ठीक है। बी तक के प्राइम को जनरेट कर लिया, अब आप कोई भी प्राइम नंबर पूछो मैं बता दूंगा। तो मैंने कहा एक बार के लिए प्लीज इसका कंस्टेंट देखिए, क्वेश्चन में कंस्टेंट क्या कह रहा है कि बेसिकली वन से लेकर ए और बी की रेंज 10^9 तक है, राइट। बट उसके बाद बी माइनस, देखो यहाँ पे जो बी की वैल्यू ना वो 10^9 तक हो सकती है। सपोज मैंने आपको कहा कि 1 से लेकर 10^9 तक के सारे प्राइम नंबर जनरेट कर दो, आप क्या करोगे, बी वाला एरे बनाओगे 10^9 साइज का, जो कि नॉट अलाउड है, राइट। तो इनके कंस्टेंट को भी ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्टेंट क्या क्या है, ठीक है। कंस्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं रोल, तो ध्यान से देखिए कंस्टेंट नंबर वन कि जो ए की वैल्यू ना ग्रेटर देन वन है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू 10^9 है। दूसरी चीज क्या गिवन है, बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 10^5 है, ठीक है। तो हमारे लिए सेकंड कंस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड कंस्टेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं कि अब हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दी जो अमूमन बताई जाती हैं, अप्रोच नंबर थ्री या फिर अप्रोच नंबर टू, ये वाले हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं कैसे डिस्कस करूंगा, वही पहले एक बार फिगर आउट करेंगे व्हाट कि क्या करना है, ठीक है, वो क्यों चल रहा है, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी वाई एंड उसको कोड कैसे करेंगे, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला मोटिव है मेरा इसी के अराउंड, चलिए एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूँ, इसी के अराउंड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप मार्क करते रहेंगे यहाँ पे कि हम अब ये डिस्कस कर चुके हैं व्हाट, राइट, वो क्यों चल रहा है वाई एंड उसको कोड कैसे करेंगे हाउ एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड बात, राइट। तो यार ध्यान से देखो, अगर यहाँ तक की बात सही से लगी तो सबसे पहले व्हाट के अराउंड बात करते हैं, व्हाट के अराउंड बात करते हैं कि क्या करना है। तो देखो यार, मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं बी तक का एरे तो नहीं बना सकता,
राइट, बट इनके डिफरेंस को अगर आप एनालाइज करो तो ये रेंज आ रही है 10 पर 5 की। दैट मींस मैं बेसिकली इनके डिफरेंस के बराबर का एरे जरूर बना सकता हूँ, राइट। मैं एक 0 से लेकर 20 तक का एरे तो नहीं बना सकता, बिकॉज वो 10 पर 9 की रेंज का जाएगा, बट इतनी गारंटी है कि 1 से लेकर 20 तक का एरे बनाया जा सकता है, बिकॉज उनकी रेंज 10 पर 5 के अराउंड ही रहेगी, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। ये वाला कंस्टेंट यही बताना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि अपर रेंज लोअर रेंज इज 22, ठीक है। ये सिर्फ डिस्कशन के लिए एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम्पल कंसिडर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैंने बोला लोअर रेंज मान लो 22 होती, राइट, और अपर रेंज होती 51, ठीक है, 51। तो आपको क्या करना होता, बी माइनस ए, एक एरे बनाऊंगा, ध्यान से देखिए, एक एरे बनाता मैं, राइट, बी माइनस ए प्लस वन साइज का, बी माइनस ए प्लस वन साइज, दैट मीन्स 51 माइनस 22 प्लस 1, राइट। तो ये शॉर्ट ऑफ 30 आ जाता, 30 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स 30 साइज का एक एरे बनना चाहिए मेरा, 30 साइज का एरे। तो चलिए एक बार एरे बनाते हैं फटाफट से। मैंने एक एरे बनाया, बुलियन का एरे है, राइट, ये बुलियन का एरे है। क्यों बुलियन का एरे बना रहा हूँ, बेसिकली ऑलरेडी हमें पता है, हमें मार्किंग करानी होती है यहाँ पे कि कब कोई चीज़ प्राइम होगी कब नहीं होगी, तो बुलियन का एरे अच्छा होगा, बिकॉज वो दो चीज़ें स्टोर कर लेता है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि अगर फॉल्स है तो प्राइम है, राइट, और अगर ट्रू है तो नॉट प्राइम, ठीक है। बेसिकली ये क्यों बोला, अगर आपने सी वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा हमने वहां पे क्या करा था। मैंने वहां पे कहा था कि इस प्राइम के नाम से सिमिलर रहने के लिए पहले ट्रू फिल करा लेते हैं, है ना। अदरवाइज मैं वहां पे ये भी कर सकता था कि फॉल्स को मान लूं कि प्राइम है, ट्रू को मान लेता नॉट प्राइम है, राइट। सो ध्यान से देखिए, इस मोमेंट पे मैंने क्या कहा कि बूलियन है, एरे नाम दिया हुआ है, और बी माइनस ए प्लस वन साइज, दैट इज 30 साइज का है। तो सबसे पहले 30 साइज का एरे बनाते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम लंबा है बट इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा अटेंशन भी चाहिए आपका और साथ भी चाहिए। तो ठीक है, एक बार देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and 29, 30, राइट, ठीक है। तो 30 साइज का मैंने बेसिकली 29 साइज का एक एरे बन गया, 29 तक इंडेक्स का एक एरे बन गया, साइज 30 है, इंडेक्स 0 से लेकर 29 तक, ठीक है। एक बार मैपिंग देखते हैं कि किन 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 नंबरों से मैप्ड है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 22 से स्टार्ट होकर 51 तक जा रहा है, तो मैंने बोला 22, 23, 24, 25, 26। इन मैपिंग को लिखने की ये बेसिकली आराम से बनाया जा सकता है, देखो इंडेक्स प्लस स्टार्टिंग वैल्यू, राइट। जैसे अगर मुझे 23 बनाना होता, मुझे पता करना होता कि ये कौन सा नंबर है, तो मैं क्या बोलता, आई प्लस लोअर रेंज, तो 1 प्लस 22 इज 23। तो बस फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इक्वेलिटी के समझ में आ जाए ताकि जल्दी से, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, काउंटिंग सीख रहे लगता है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51, ठीक है जी, बढ़िया। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक का एक एरे बना रखा है। अब ध्यान से देखो यार, एक और काम करना है। सबसे पहले तो हमने वर्ड के अराउंड क्या बात करी, एक एरे बना लिया मैंने, ठीक है। एक और चीज करनी है, पता है क्या, जनरेट कर लो प्राइम, जनरेट प्राइम फ्रॉम 2 to √b, ठीक है। रूट बी तक का प्राइम जनरेट करना जरूरी है, ठीक है, और किसकी, यूजिंग सीव एल्गोरिदम, यूजिंग सीव, ये प्राइम नंबर जनरेट करना जरूरी है, बिकॉज देखो मुझे 51 तक के लिए मार्किंग करानी है, ठीक है। तो अगर आपको सी एल्गोरिथम याद हो, तो हम वहाँ क्या क्या करते थे, हम रूट एन तक चल के मार्क किया करते थे, राइट, रूट एन तक चल के मार्क किया करते थे। तो यहाँ भी मुझे रूट एन तक ट्रेवल करना होगा और मार्क करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, रेदर देन ट्रेवर्सिंग फ्रॉम 2 to √n और चेक करना कि वो प्राइम है या नहीं तब मार्क करो, उससे अच्छा बेटर क्या कर लो, रूट एन तक के प्राइम नंबर ही जनरेट कर लो सी एल्गोरिथम का यूज करके, बिकॉज ये तो 2 से लेकर √b तक के प्राइम नंबर जनरेट करना है। तो मैंने 51 तक, यानी मोर और लेस, देखो ध्यान से देखो, ऐसा 2 to √ over 51 तक, यानी
इक्वेलेंट टू 7 तक मोस्टली जनरेट करना है प्राइम नंबर, तो क्या क्या आएगा, 2, 3, 5 और 7, ठीक है, चार प्राइम नंबर आ गए 51 तक की, राइट। सो स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3, मार्किंग यूजिंग प्राइम्स, इन प्राइम नंबर का यूज करके मार्किंग करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें ना एक चीज और इंपॉर्टेंट होगी, मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए होगा यार, स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एवरी प्राइम नंबर। तो अभी के लिए ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स है क्या, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि है क्या, वो कैसे निकलता है उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास 7 है, राइट, 7, तो 22 में, 22 से एरे स्टार्ट हो रहा है, तो किस इंडेक्स पे पहली बार, राइट, किस इंडेक्स पे पहली बार मल्टीपल मिलेगा 7 का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 28 इज फर्स्ट टाइम अकरेंस विच इज मल्टीपल ऑफ 7, तो मुझे यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करनी चाहिए, 27, फिर 7 स्टेप आगे, फिर 7 स्टेप आगे, ऐसा, राइट। तो मुझे हर एक एलिमेंट के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए होगा, जैसे 3 के लिए देखो तो 24 है, तो मैं यहाँ 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 से चेक करते हुए नहीं आऊंगा, डायरेक्टली मैं एक ऐसी टेक्निक हम लोग लगाएंगे जिससे मैं डायरेक्टली 2 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, राइट। अभी हम लोग उसको देखेंगे, बट अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि 2 है तो मुझे पता है 0 से है, 3 है तो मुझे पता है 28 यानी सेकंड इंडेक्स से होगा, 5 है तो मुझे पता है 25 यानी थर्ड इंडेक्स होगा, 7 तो मुझे पता है 28 यानी सिक्स इंडेक्स होगा। ये अभी मैं मान के चल रहा हूँ, ये कैसे निकालते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, हम उसको अभी बाद में मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने बोला पहले 2 के मल्टीपल को मार्क कराओ यार, 2 के मल्टीपल को, तो 2 यहाँ मैंने 2 को बोला यार आप हो जाओ ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है कि नॉट प्राइम, यहाँ देखो ट्रू, 2 का मतलब मैंने रखा है नॉट प्राइम, तो इसको मैंने मार्क कराया, यहीं से मार्किंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, 2 को देखा स्टार्टिंग 0, यहीं से मार्किंग स्टार्ट कर दो, तो ये नॉट प्राइम, इसके सारे मल्टीपल जितने भी इसके मल्टीपल हैं सारे 2 के सारे मल्टीपल नॉट प्राइम, तो इसने इसको मार्क कराया, 26 को मार्क कराया, 28 को मार्क कराया, 30 को मार्क कराया, 32, 34, ठीक है, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, इन इन सबको मार्क करा दिया कि दीज आर नॉट प्राइम, 2 ने, सिर्फ 2 ने ये काम करा, ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब बारी आई 3 की, राइट, 3 की बारी आई, तो 3 ने क्या बोला, 24 से स्टार्ट करो और जस्ट मार्क करना स्टार्ट कर दो, उसमें ऐसा कुछ चेक नहीं होता कि मैं पहले प्राइम हूँ, ये चेकिंग वाली नहीं आती यहाँ पे। तो देखा, मैंने देखा 24 ऑलरेडी मार्क्ड है, 27 मार्क कर दो यार, 30 ऑलरेडी मार्क है, 33 मार्क कर दो, 36 ऑलरेडी मार्क, 39 मार्क कर दो, 42 ऑलरेडी मार्क, 45 मार्क कर दो, 49, 48, 48 ऑलरेडी मार्क, 51 मार्क कर दो। तो 3 ने अपना काम करा, अपने सारे मल्टीपल्स पे मार्क करा दिया ट्रू दैट इज नॉट प्राइम, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा तो ध्यान से देखिए, मुझे अगली बार मिला 5, राइट, तो 5 से स्टार्ट हुआ, 5 का पहला स्टार्टिंग इंडेक्स 3, थर्ड को मैंने मार्क करा ट्रू, देन 30 ट्रू मार्क्ड है, 35 ट्रू करा मार्क, 40 ट्रू मार्क है, 45 ट्रू मार्क्ड है, 50 ट्रू मार्क्ड है, राइट। तो एंड तक मैंने काम कर दिया 5 के लिए। अब देखो आगे बढ़ा लास्ट टाइम, सो 7 के लिए ध्यान से देखिएगा, 7 के लिए, राइट, स्टार्टिंग इंडेक्स 28 ऑलरेडी मार्क, 7 के बाद 28 के बाद क्या आएगा, 35 ऑलरेडी मार्क, 42 ऑलरेडी मार्क, 49 मार्क कर दो यार, 49 को मार्क कर दो ट्रू, 49 इज ऑल्सो नॉट प्राइम, राइट। 7 तक के हमने सारे प्राइम नंबर को मार्क करा दिया। अब ध्यान से देखो, 8 को क्यों नहीं, मतलब बेसिकली नेक्स्ट प्राइम यानी 11 को क्यों नहीं कंसिडर करा, तो मैं कह रहा हूँ यार रूट एन तक के जितने ही रूट एन तक जो नंबर होते हैं ना, सिर्फ उनके प्राइम नंबर ही फैक्टर मल्टीपल को मार्क कराते हैं, राइट, रूट एन के प्राइम नंबर ही मल्टीपल को मार्क कराया करते हैं, उसके बाद तो जो भी फैक्टर मिलता है ना मुझे, वो बेसिकली जैसे ए इंटू बी और बी इंटू ए की फॉर्म में मिलता है, राइट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब बचे 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 हुए नंबर कौन से हैं, बचे हुए नंबर, तो एक बार के लिए इनको मार्कर से मार्क करते हैं बचे हुए नंबरों को, सो 23 एंड 29, 31, 37, 41, 43, 47, राइट। कितने नंबर हैं, 3 और 3 और 3, 6 और 7, 7 नंबर हैं। एक बार देखते हैं 22 से लेकर 51 तक, 22 से लेकर 51 तक कौन से 7 नंबर आ रहे हैं क्या, सो 4 और 3, 7, 23, 29, 31, 23, 29, 31, 37, 41, 37, 41 एंड 43, 47, 43, 47, हाँ जी बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो क्या क्या एल्गोरिथम रहा, सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1, पहले एक एरे बना लो, राइट, और क्या मैंने अज्यूम करा, फॉल्स मतलब प्राइम होना चाहिए, ट्रू मतलब नॉट प्राइम होना चाहिए, मैंने एक जनरेट कर लिया प्राइम नंबर। ये बेसिकली ये स्टेप और ये स्टेप आपस में चेंज भी हो सकते हैं, इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है सच, राइट। तो मैंने उसके बाद क्या करा, जनरेट करा प्राइम नंबर 2 से लेकर रूट बी साइज तक का, 2 टू रूट बी सारे प्राइम नंबर को मैंने मंगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ध्यान से देखो,
हर एक प्राइम नंबर के लिए मैंने मार्किंग करना स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने निकाला स्टार्टिंग इंडेक्स, हर प्राइम के नंबर के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से है, उसके बाद उस प्राइम नंबर की जंप, जैसे अगर प्राइम नंबर 2 आया राइट, तो मैंने दो दो की जंप ली और उनके सारे मल्टीपल को क्या कर दिया, मार्क करके बना दिया नॉट प्राइम राइट। सो और उसके बाद एट द एंड ट्रेवल करो और जहां जहां फॉल्स पड़ा हुआ, जहां जहां फॉल्स पड़ा हुआ उनको क्या कर लो, गेट कर लो राइट, उनको गेट कर दो कि हाँ यार यू आर प्राइम ठीक है। फॉल्स फॉल्स, ये सारे प्राइम नंबर है ठीक है। अब देखो अगर आपके पास क्वेरी आ रही है तो आप इन क्वेरीज को इनसे, इस एरे से आप क्वेरी का आंसर रिटर्न करा सकते हो। अगर आपके रिटर्न कराना है प्राइम नंबर तो ट्रेवल करो और रिटर्न करा दो राइट। तो चलिए एक बार अब फिगर आउट करते हैं कि मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे मिलेगा ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ गई, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ प्राइम मल्टीपल राइट, प्राइम मल्टीपल कि जो भी उस प्राइम का मल्टीपल है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है। तो ध्यान से देखिए यार, ध्यान से देखना, मुझे पता है कि मेरे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है कौन कौन से, जैसे कि है मेरे पास 2, 3, 5 और 7 राइट। मेरे पास ए में पड़ा हुआ है 22 और बी में पड़ा हुआ है 51 ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, देखो अगर मैं चाहूँ कि मतलब बेसिकली मुझे प्राइम नंबर एक मल्टीपल मिल जाए राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 22 डिवाइड बाय ए करूंगा तो ध्यान से देखिए 11 आ गया राइट, 11 आ गया, 11 एक मल्टीपल है ठीक है। बट मैं बेसिकली 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं 2 को, तो मुझे 22 मिल जाएगा राइट। अब अगर ध्यान से देखिए मैं 3 की बात करूँ तो 22 डिवाइड बाय 3 नियरली क्या आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग राइट। अगर मैं 7 पॉइंट समथिंग से 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 22 मिल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि इससे 22 के जस्ट बाद जो 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल हो राइट, 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल, तो इसके लिए इसकी सील निकालो यार बस। देखो 7 पॉइंट समथिंग आया, इसकी सील निकाला 8 आया, 8 को मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से तो क्या आ जाएगा 24, जस्ट उसका एग्जैक्ट मल्टीपल है 3 का है ना। तो ध्यान से देखिए अभी देखो, अभी आप बोलोगे कि सर इससे इंडेक्स कैसे पता चलेगा, इससे तो मल्टीपल पता चला ना। मैंने कहा अगर मुझे मल्टीपल पता चल जाए ना तो इंडेक्स भी पता चल जाएगा, ध्यान से देखना कैसे। तो सबसे पहले क्या करना करना है, सबसे पहले आप निकालो मल्टीपल, देखना मल्टीपल कैसे निकालूंगा। मैंने बोला मल्टीपल इक्वल टू 22 यानी ए, इसको मैं थोड़ा जेनरिक होके लिखता हूँ, ए मल्टीप्लाई 1.0, बेसिकली डबल में बदल लिया और डिवाइड कर दिया मैंने प्राइम ऑफ आई से, जिस भी प्राइम नंबर के लिए आप निकालना चाहते हो राइट। इसके बाद इसका आपको लेना है सील राइट, इसका सील लेना है आपको। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं 7 के लिए ठीक है, 7 के लिए कंसिडर करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ड्राइन कराता हूँ, ध्यान से देखो, 22 मल्टीप्लाई 1.0 डिवाइड बाय 7, ये नियरली कितना आया, ये आया 22/7 विच इज 3 पॉइंट समथिंग राइट, 3 पॉइंट समथिंग आया। और इसका सील मुझे कंसिडर करना है राइट, सील कंसिडर करना है। तो ध्यान से देखिए ये आ गया इक्विवेलेंट 4 के ठीक है। तो मल्टीपल क्या आया मेरे पास, मल्टीपल आ गया 4। मैंने कहा ठीक है वेल एंड गुड, अभी रुक जाओ, अभी भी एग्जैक्ट मल्टीपल आया है बट स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं आया आपके पास, ये तो मल्टीपल है मतलब कितने टाइम में मल्टीप्लाई होना है ठीक है। तो अब देखो स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे निकालोगे, सो स्टार्टिंग इंडेक्स आया, ध्यान से देखिए मल्टीपल राइट, मल्टीपल मल्टीप्लाई प्राइम ऑफ आई ठीक है, प्राइम ऑफ आई तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 28, माइनस कर दो उसको ए से राइट, ए से माइनस कर दो, ए इज द बेस वैल्यू है ना, ए इज बेस वैल्यू। मैंने क्या करा ध्यान से देखो, तो मैंने बेस वैल्यू से, ये है इसकी बेस वैल्यू और ये आया है उसका एग्जैक्ट मल्टीपल, ये तो बेसिकली फैक्टर काइंड ऑफ थिंग है, ये आया है एग्जैक्टली मल्टीपल राइट। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टिंग इंडेक्स में लिखता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू मल्टीपल इज 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 22 विच इज 28 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 6 राइट, यानी 6th इंडेक्स से 7 के मल्टीपल स्टार्ट होंगे। तो ध्यान से देखिए एक बार 6th इंडेक्स पे देखें, सो 6th इंडेक्स पे 22 है, हाँ जी बिल्कुल सही करेक्ट है राइट। तो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखो मैंने दो फॉर्मूले फिगर आउट करे। फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है कि सबसे पहले मल्टीपल निकालो यार राइट, मल्टीपल बोलते हो या फिर इसको फैक्टर बोल सकते हो आप, सबसे पहले फैक्टर निकालो या मल्टीपल निकालो राइट। अभी भी उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए क्या करो, मल्टीपल मल्टीप्लाई प्राइम ऑफ आई माइनस ऑफ ए ठीक है। तो उसके पास आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स। यहाँ पे ना एक एक थोड़ा सा गेम है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम क्या है,
हर बार स्टार्टिंग इंडेक्स से मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ एक सटल सी मिस्टेक रह जाएगी, एक टेस्ट केस छूटता है। वो देखो वो टेस्ट केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो एक टेस्ट केस कौन सा छूट रहा है। मैंने कहा आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिए, अगर आपको ए इक्वल टू 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 बी इक्वल टू 100 तक के लिए सॉल्व करना होता, राइट, 100 तक के लिए सॉल्व करना होता, तो अब क्या करते, ठीक है, आप प्राइम नंबर जनरेट कर रहे थे, प्राइम नंबर क्या आता, प्राइम नंबर आता 2, 3, 5, 7 अप टू आगे तक, राइट। आप 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स निकालने की कोशिश करते, क्या आता, ध्यान से देखिए, आप मल्टीपल निकालते, आता 2 × 1.0 / 2 का सील, वो एग्जैक्टली 2 ही आता यार, राइट, एग्जैक्टली 2 आता। ये तो आ गया आपका मल्टीपल। इसके बाद आप क्या करते, आप इसका स्टार्टिंग इंडेक्स निकालते, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आता, 2 × 2, राइट, 2 × 2, सॉरी सॉरी, ये 1 के इक्वल है, हमने यहाँ गलती कर दी, मल्टीपल आया 1, राइट राइट, ध्यान से देखो, ये मल्टीपल आता 1, सो स्टार्टिंग इंडेक्स निकालता मैं 1 × prime of i दैट इज 2, माइनस कर दो a से, तो 2 माइनस करा, ये किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। अगर यार 2 से लेकर 100 तक के लिए आपको प्राइम नंबर बनाना होता तो आपने कुछ ऐसी मैपिंग करी होती, 0, 1, 2, 3 अप टू 100, ए के साथ 2, बी के साथ 3, 4, और आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाता 0, तो पहुंचते के साथ ही आप 0 को मार्क नहीं कर सकते थे। अगर आप इसको ट्रू कर देते तो एक प्राइम नंबर को आप नॉट प्राइम बना देते, है ना। तो ये वाला केस मैं मिस कर रहा हूँ। इसके लिए यदा कदा ध्यान रखिए, अगर कभी हो जाए कि मल्टीपल 1 के इक्वल आ रहा है, मल्टीपल इक्वल इक्वल टू 1 है, इसका मतलब पता है क्या, जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, स्टार्टिंग वैल्यू वो रही होगी प्राइम, और आप उस वाले प्राइम नंबर के लिए सॉल्व करने जा रहे हो, राइट, उस वाले प्राइम नंबर के लिए सॉल्व करने जा रहे हो जो कि इसके इक्वल ही है, ठीक है, इसके इक्वल ही है। तो क्या कर दो, मल्टीपल अगर कभी आ जाए 1 तो मल्टीपल को कर देना यार प्लस प्लस, राइट, मल्टीपल मल्टीपल को प्लस प्लस करना मत भूलना। अगर मैंने मल्टीपल को कर दिया प्लस प्लस तो ये 1 से क्या हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा 2, और मैं 2 × 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 × 2 − 2 दैट इज 4 − 2, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 2 इंडेक्स पे 4 पड़ा होगा विच इज नॉट प्राइम, इसको ट्रू मार्क करना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं फिर से अपनी बात बोलना चाहता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ प्राइम नंबर मल्टीपल कैसे निकालते हैं आप, सबसे पहले मल्टीपल निकाल लो, ए मल्टीप्लाई 1.0, बेसिकली डबल में बदलने के लिए डिवाइड करा प्राइम ऑफ आई से और उसका सेल गेट करा, तो मुझे मल्टीपल मिल गया। मैंने कहा यदा कदा मल्टीपल इक्वल इक्वल टू रहे 1 तो क्या कर दो, मल्टीपल प्लस प्लस, ऐसा क्यों, इस वाले टेस्ट केस से मैंने बचने के लिए, बिकॉज कभी अगर ऐसा हो जाए ए इक्वल टू 2 से लेकर 20 इतना रहे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यार कहीं ऐसा ना हो ये प्राइम है, मैं खुद 20 को जाके मार्क कर दूं ट्रू, ठीक है। सो इस चीज से बचने के लिए मैंने ऐसा करा, और स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे निकालोगे, मल्टीपल इंटू प्राइम ऑफ आई माइनस कर दूंगा मैं ए से, राइट, तो इससे मुझे पता चल गया स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे निकलेगा और एल्गोरिदम का जिस्ट पता चल गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वाई वर्ड पता चला है कि क्या हो रहा है, राइट, अब वाई की बात करते हैं, वाई की बात ध्यान से देखो, तो वाई के अराउंड क्या बात बोल रहा हूँ मैं कि यार ये क्यों चल रहा है, सीव का एल्गोरिदम है, इसी पे बेस्ड रहता है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक हर एक प्राइम नंबर निकाल रखे हैं, इनके मल्टीपल को देखो, अगर ये 2 प्राइम है ना तो इसके मल्टीपल जितने भी हैं वो गारंटीड नॉट प्राइम होंगे। जैसे अगर 2 प्राइम होता है तो 2 से 4, 6, 8 सीव में हमने करा था, वो सारे नॉट प्राइम होंगे, राइट, तो मैंने उसको मार्क करा दिया। तो और ऐसा मैं कब तक करता हूँ, मैं √10 तक करता हूँ, तो मैंने √10 तक के सारे प्राइम नंबर को जनरेट कर रखा है और जाके मार्किंग कर रहा हूँ, इसलिए चल रहा है, ठीक है, इसलिए चल रहा है। और स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे निकालता हूँ उसका वाई भी हमने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया, तो आई थिंक मोर और लेस आपको वाई भी क्लियर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हाउ की तरफ कि मैं इसको कोड कैसे करूंगा, ठीक है, तो चलिए एक बार चलते हैं एक बार कोड सेक्शन की तरफ, तो कैसे इसका कोड कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला यार सबसे पहले ना इसको फुल स्क्रीन पे कर लो ताकि व्यू अच्छा मिल पाए, ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा ले क्या, हाँ जी, सेगमेंटेड सीव, यहाँ देखो सबसे पहले मैंने बनाया, अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले रूट ही बना लेता हूँ, राइट, मैंने बोला इंट रूट बी इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ बी निकाला मैंने, ठीक है, जो भी आंसर आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा बिकॉज ये डबल रिटर्न करता है, टाइप कास्टिंग जरूरी है, उसको कर लो इंटीजर में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट करा। अब मैंने क्या बोला कि यार पहले प्राइम मंगा लो, है ना, प्राइम मंगा लो, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर प्राइम्स, कैसे मिलेगा प्राइम्स, सीव से मिलेगा प्राइम्स, सीव में मैं पास कर दूंगा रूट भी कि यहाँ तक के सारे प्राइम नंबर को आप रिटर्न करा दो। तो ध्यान से देखो, जैसे अगर मेरे पास अपर रेंज भी आ जाते हैं ना कभी 10^9 तो भी इसका रूट क्या आएगा, 10^4 या 5 के राउंड आएगा, राइट, तो 10^5 साइज का तो एरे में बना ही सकता हूँ आराम से,
तो ये वाला सीव में, ये वाला सीव चल जाएगा। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ इसने मुझे अपने आंसर रिटर्न करा दिया, मेरे पास सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो ध्यान सीखिए एल्गोरिथम में, मेरे पास हैं सारे प्राइम नंबर। अब मैं हर एक प्राइम नंबर के लिए मार्किंग स्टार्ट करूंगा। स्टेप नंबर वन, देखो स्टेप नंबर वन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो बेसिकली हमारा स्टेप नंबर टू था। सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टेप नंबर वन मेक अ रूट ऑफ बी, स्टेप नंबर टू है ना गेट प्राइम टिल रूट बी यूजिंग सीव, ठीक है। तो सीव तो हमने कर रखा ऑलरेडी, हमने गेट कर लिया सीव तक। स्टेप नंबर थ्री मार्किंग यूजिंग प्राइम्स, ठीक है। तो उस प्राइम का यूज करते हुए मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देखिए हर एक प्राइम नंबर के लिए मार्किंग स्टार्ट कर दी मैंने। फॉर लूप लगाया, फॉर इंट प्राइम गेट करो, कहाँ से प्राइम गेट करोगे, प्राइम से प्राइम गेट कर लूंगा मैं, ठीक है। वन बाय वन मेरे पास टू आ गया, थ्री मतलब टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, है ना। जैसे अगर जो भी रेंज रहेगी उसके अराउंड 2, 3, 5, 7, जैसे अभी यहाँ के लिए 51 तक है तो 2, 3, 5, 7 आएगा वन बाय वन। तो पहले टू आया, टू आया तो मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए होगा स्टार्टिंग इंडेक्स। तो ध्यान से देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या गेट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स, फाइंड स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर मार्किंग, फॉर मार्किंग, ठीक है। मार्किंग चाहिए, अब ध्यान से देखिए मार्किंग के लिए क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने निकाला मल्टीपल, इंट मल्टीपल इक्वल टू, मल्टीपल इक्वल टू ध्यान से देखो क्या होगा, मल्टीपल इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1.0, ठीक है। तो मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई 1.0, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दूंगा मैं प्राइम ऑफ आई से, राइट। प्राइम ऑफ आई मतलब बेसिकली डिवाइड कर दो प्राइम से, ठीक है, प्राइम से डिवाइड कर दो। तो इसका आपको निकालना है सील, राइट। इसका मुझे सील चाहिए, तो सील का फॉर्मूला क्या हो, सील का फंक्शन क्या यूज कर सकता हूँ, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सील, और मैंने ये वैल्यू पास कर दी कि इसका सील निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ठीक है, इतना बहुत है, इसका सील निकाल दो, राइट। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया इसका ब्रैकेट, ये हो गया इसका ब्रैकेट, हाँ जी। तो निकाल लिया इसने मल्टीपल, ने निकाल दिया सील। अब मैंने कहा कि यार यदा कदा कभी मल्टीपल हो जाए वन के इक्वल, अगर अगर ऐसा होता है कि ये जो आपने मल्टीपल निकाला है राइट, ये इक्वल इक्वल रहे वन के, तो क्या कर दो मल्टीपल प्लस प्लस, राइट, मल्टीपल प्लस प्लस कर दो, हाँ जी। तो ध्यान से मैंने कर दिया मल्टीपल प्लस प्लस। अब क्या करना है, मुझे मिल गया स्टार्ट, अब मुझे निकालना है स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट। स्टार्टिंग इंडेक्स तो मैंने बोला इंट इंडेक्स निकालो, इंडेक्स इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे आएगा, मल्टीपल मल्टीप्लाई प्राइम माइनस ए, तो मल्टीपल मल्टीप्लाई प्राइम माइनस कर दिया ए से, ये आ गया मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स। अब एक लूप लगाऊंगा इंट जे इक्वल टू इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, राइट, इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, और जे कब तक चलेगा, जे चलेगा एरे तक के लिए, एरे तो हमने बनाया नहीं है, अभी बनाने की, एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, राइट। और जे चलेगा, जे हर बार प्लस प्लस नहीं होगा, ध्यान से प्लस प्लस नहीं होगा, प्लस इक्वल टू प्राइम होगा, राइट, अपने प्राइम वाली जंप लेगा, जैसे दो अगर है तो दो दो की जंप लेगा, तीन है तो तीन तीन की जंप लेगा, सेवन है तो सेवन सेवन टाइम की जंप लेगा, राइट। सबसे पहले एक एरे भी बना लेते हैं, बूलियन का एक एरे, बूलियन, राइट, बूलियन एरे इक्वल टू न्यू बूलियन बी माइनस ए प्लस वन, बी माइनस ए प्लस वन साइज का एक एरे बना लिया, जहां पे मैं क्या बोला हूं, अगर फॉल्स पड़ा है, राइट, अगर फॉल्स पड़ा है तो प्राइम है, ठीक है, तो है प्राइम, अगर ट्रू पड़ा है तो है नॉट प्राइम, राइट, नॉट प्राइम। सो अब देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फॉर लूप लगाया, अब मैं एरे के अराउंड ट्रेवल्सर कर रहा हूँ, और मैंने बोला एरे ऑफ जे को कर दो, जे को कर दो ट्रू, राइट, दैट मीन्स नॉट प्राइम बना दो उसे, ठीक है, नॉट प्राइम बना दो, सारे मल्टीपल के अराउंड मूव करता रहूंगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर टू है, मतलब अगर स्टार्टिंग टू है और तो मैं टू वन को ही जाके, मतलब टू को ही जाके मार्क कर दूं, क्योंकि मैंने मल्टीपल को मैनेज कर लिया, अगर कभी वन आ गया तो मैं मल्टीपल को प्लस प्लस कर दूंगा, राइट। तो सारे प्राइम नंबर को यहाँ तक बेसिकली मैंने मार्क करा दिया उनके फैक्टर्स को। अब ध्यान से देखो यार, अब ध्यान से देखो, अब मुझे बनाना है एक आंसर, एक आंसर बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो रिटर्न कराना हो तो रिटर्न भी करा सकते हैं, क्वेरीज का आंसर देना हो तो क्वेरीज का भी आंसर दे सकते हैं, बिकॉज मेरे पास
एरे में सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, राइट। अब देखो मैं प्रिंट करा देता हूँ प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में की डिमांड है कि आप प्राइम नंबर प्रिंट करा दीजिए। तो ध्यान सीखिए कैसे करा रहा हूँ। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैंने कहा अगर कभी एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू हो फॉल्स तो प्रिंट करा देना आई प्लस ए सिस्टम डॉट वैल निकालता हूँ। देखो मैंने बोला तो वैल क्या हो जाएगी, वैल हो जाएगा आई प्लस ए, और वैल को प्रिंट करा देना, ठीक है। आप डायरेक्टली आई प्लस ए भी प्रिंट करा सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल प्रिंट करा दो हर एक अलग अलग लाइन में, है ना। टेस्ट केस अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक आंसर को अलग अलग लाइन में प्रिंट कराया हुआ है, राइट। ये रहा हर एक लाइन को अलग अलग लाइन में, हर एक नंबर को। तो मैंने वही काम करा, मैंने हर एक वैल को अलग अलग लाइन में प्रिंट करा दिया। बट एक और टेस्ट केस यहाँ फंस जाएगा यार, अगर कभी वन आ जाए ना, मतलब ये मेक श्योर करना, क्या मेक श्योर करना है आपको कि आई प्लस ए जो है ना वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए यार। बिकॉज यहाँ पे देखो ये मैं इंडेक्स के बेसिस पे चला रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या गिवन है, राइट। ए कुछ भी हो सकता है, वन से लेकर मतलब वन से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। तो एक बार ये वाला चेक लगाना जरूर भूलिएगा, मत भूलिएगा कि आई प्लस ए जो मेरा है वो ग्रेटर देन रहे यार वन, ऐसा ना हो कभी कि इक्वल टू वन हो जाए, ठीक है। आई प्लस ए हमेशा ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तब तो प्रिंट करा दो, या फिर नॉट इक्वल टू वन प्रिंट करा दो, ठीक है, नॉट इक्वल टू वन, राइट। अब यार ध्यान से देखो, अब रही बात इसकी, तो मैंने बोला सी वाला काम तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, फटाफट से वाला एल्गोरिथम लिख लेते हैं। ध्यान से देखो क्या रिटर्न कराएगा ये, एरे लिस्ट में एक आंसर रिटर्न करा देगा जो जो आंसर होंगे, मतलब तो बेसिकली प्राइम प्रिंट करा देगा टिल एन, प्राइम रिटर्न करा देगा टिल एन। तो पब्लिक स्टैटिक राइट रिटर्न करा रहा है एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है इंटीजर, और फंक्शन का नाम है सीव, इसे एक नंबर मिला इंट नम। अब यार ध्यान से देखो अगर सी एल्गोरिथम आपको याद है थोड़ा बहुत भी, तो हम क्या क्या करते थे, हम बेसिकली एक एरे बनाया करते थे बूलियन का। तो मैंने बनाया बूलियन का एक एरे, बूलियन ठीक है, ए आर आर इक्वल टू न्यू बूलियन नम प्लस वन बराबर नम प्लस वन साइज का एक मैंने बूलियन का एरे बनाया, राइट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं टू से इसकी मार्किंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू दो से स्टार्ट होते हुए आई इन टू आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, राइट। उसके रूट के लेस देन इक्वल टू तक जा रहा हूँ, और हर बार क्या कर रहा हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये जो मैंने बूलियन का एरे बनाया ना, देखो सीव में तो मैंने आपको बोल दिया था कि ट्रू मार्क करा दो, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ अगर फॉल्स है ना तो मानना कि प्राइम है, अगर ट्रू हुआ तो मानना नॉट प्राइम, ठीक है। बेसिकली मैं वो चाहता हूँ कि जो मार्किंग वाला काम था ना वो ना करना पड़े मुझे अभी यहाँ पे, नॉट प्राइम, राइट। ट्रू है तो नॉट प्राइम, फॉल्स है तो प्राइम। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या कर दो इसको, अगर एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू है फॉल्स, ठीक है, अगर इक्वल इक्वल टू है फॉल्स तो ही मार्किंग करने के लिए आगे आना, दैट मीन्स वो नंबर प्राइम है तो ही आप मार्क करने के लिए आगे आना। क्या करोगे, एक जे का लूप स्टार्ट करूंगा, इंट जे इक्वल टू टू इंटू आई से स्टार्ट करूंगा, और कब तक चलूंगा, मैं चलूंगा जे मेरा लेस देन होना चाहिए एरे डॉट लेंथ के इक्वल, एरे डॉट लेंथ के इक्वल, और हर एक जंप जे की कैसे होगी प्लस इक्वल टू आई से होगी, राइट। मुझे क्या करना होगा, बेसिकली एरे ऑफ जे पे जाके बस मार्क कर देना होगा कि यार यू गाइज आर नॉट प्राइम, इफ एरे ऑफ आई इज प्राइम देन इट्स मल्टीपल आर नॉट प्राइम, राइट। मैंने मार्क कर दिया। अब देखो एरे को फिल करना मत भूलिएगा, सो जो मुझे रिटर्न कराना है रिजल्ट, तो मैंने बनाया इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। अब मैं इस एरे को फिल करा रहा हूँ, राइट, फिल करा रहा हूँ। तो फॉर इंट आई इक्वल टू दो से स्टार्ट होते हुए आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, क्योंकि देखो आंसर में सारे चाहिए तो मुझे ट्रेवल तो करना ही पड़ेगा, एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। मैंने कहा अगर एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू होता है फॉल्स, इसका मतलब ये प्राइम है, क्या कर लो आई को फिल करा देना रिजल्ट में, यानी रिजल्ट डॉट एड आई, मैंने आई को ऐड कराया और एट द एंड रिटर्न करा दिया रिजल्ट को, ठीक है। रिटर्न की स्पेलिंग गलत, हाँ जी, राइट। तो एक बार ध्यान से देखिए क्या क्या करा, तो सबसे पहले क्या करा, ये वाला काम बिल्कुल सी एल्गोरिथम जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, एन प्लस वन साइज का एक बुलियन एरे बनाया और दो से मार्किंग स्टार्ट कर दी। मैंने बोला यदा कदा एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू फॉल्स है, दैट मींस आपको क्या करना है उसके अगले वाले मल्टीपल को, राइट। इसलिए यहाँ पे मैंने करा हुआ है टू इंटू आई,
वहां से मार्किंग स्टार्ट कर दो, और कब तक चलोगे? एरे डॉट लेंथ तक। ये जंप कितनी चल रही है? जंप आई के जंप है, ठीक है, यानी अगर दो प्राइम नंबर आया है तो दो की जंप, तीन आया तो तीन की जंप, चार आया तो चार तो चलेगा नहीं क्योंकि एरे ऑफ फोर इक्वल इक्वल टू ट्रू आएगा, टू उसे ऑलरेडी मार्क करा हो चुका होगा। फाइव आया तो फाइव की जंप, सेवन आएगा तो सेवन की जंप, ठीक है। ऐसा करते हुए मैंने सारे प्राइम नॉन प्राइम वाले नंबरों को मार्क करा दिया। उसके बाद क्या करा, एक रिजल्ट बनाया और ट्रैवल करके जो भी फॉल्स था टू के बाद से, जो भी फॉल्स था उनको एक रिजल्ट में फिल करके रिटर्न करा दिया, ठीक है, जिसका यूज मैंने यहाँ पे करा हुआ है। अब मेरे पास देखो सीव में आ गया, प्राइम्स में आ गया सीव की हेल्प से, प्राइम नंबर टिल रूट बी। उसके बाद मैंने क्या करा, सारे प्राइमों पर ट्रेवल करा, मल्टीपल निकाला, स्टार्टिंग इंडेक्स निकाला, और उस स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग तक जो जो उसके मल्टीपल मिलते रहे मैं उनको मार्क करता गया, ठीक है। एट दी एंड मैंने ट्रेवल करा और ये मेक श्योर करा कि आई प्लस ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर ऐसा है और एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू फॉल्स है तो क्या कर दो, प्रिंट करा दो उसे, राइट। तो आई थिंक कि वी आर डन विद इट। चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये डिफॉल्ट टेस्ट किसके लिए चल रहा है। पहले कोड कॉपी कर लेते हैं यार, ठीक है। तो ओके, एरे ऑफ आई ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया, ये गलत करा हमने, कहाँ पे लाइन नंबर 21 में, ट्रिपल इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। ओके, और कन्वर्जन डबल, अच्छा मैट डॉट सील, यहाँ पे भी गलती कर दी ना हमने, मैट डॉट सील तो आपको रिटर्न करेगा डबल में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा। इसको भी टाइप कास्ट कर लो इंटीजर में, ठीक है। एंड अगेन मैंने कोड कॉपी करा, पूरा रन करा। हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस बिल्कुल सही चला। चलिए एक बार सबमिट करते हैं, तो करेक्ट आंसर आया, राइट। एक बार के लिए फिर भी मैं चाहूंगा यार आप लोग फटाफट से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर लो। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसके अराउंड हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको व्हाट बता दिया कैसे क्या है करना है, वाई बता दिया क्यों चलना है, हाउ बता दिया कैसे चलना है। अब कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड अगर बात करूँ तो ध्यान से देखो यार, कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड इनकी मार्किंग की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इनकी मार्किंग की कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी देख चुके हैं अगर कभी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड डिस्कशन कर रहा हूँ तो हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं कि कभी अगर ऐसी मार्किंग हो, ठीक है, आपके पास एन एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं और ट्रेवर्सल कुछ ऐसा हो रहा है, ट्रेवर्सल कैसा हो रहा है, एन बाय टू प्लस एन बाय थ्री प्लस एन बाय फाइव प्लस एन बाय सेवन प्लस अप टू एंड सो ऑन, राइट। और बेसिकली ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये है एन डिवाइड बाय प्राइम ऑफ आई, राइट, प्राइम ऑफ आई। वैसे ये आगे तक नहीं जा रहा, ये एन बाय रूट एन तक जा रहा है मैक्सिमम, ठीक है, एन बाय रूट एन तक ही, प्राइम ऑफ आई। अगर कभी ऐसी ऐसे रिलेशन बन रहा है, इन सब का आइट्रेशन ही कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड है, ठीक है, ऐसा टी ऑफ एन इक्वल टू दिस है, तो आप क्या कर दो, टी ऑफ एन इक्वल टू मैंने एन को ले लिया बाहर और वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री वन बाय फाइव वन बाय सेवन अप टू वन बाय रूट एन। तो यार देखो ये जो है ना वन बाय प्राइम नंबर का सम, इसका समीशन आता है एन ऑफ, ये आता है लॉग ऑफ एन के इक्वल, ये वाली चीज, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे आता है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार देखो ये ना अभी इसके अराउंड हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को प्रूव करने के लिए हम अभी ये वीडियोस नहीं है, ठीक है, इसका प्रूफ भी ऑलरेडी एक दो घंटे का टाइम ले लेगा, मतलब काफी टाइम ले लेगा। डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के हेल्प लेके हम इसका प्रूफ क्या करते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का यूज करके, ठीक है, और काफी हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स चाहिए इसके लिए। तो अभी के लिए डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो, और इसका प्रूफ बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही रेयर है कि आपसे कोई प्रूफ पूछ ले इसका, अदरवाइज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, लॉग ऑफ एन, सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टी ऑफ एन इक्वल टू एन इंटू लॉग ऑफ एन, राइट। ये लॉग ऑफ एन कैसा पैरालाइज जैसा हो गया, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं लॉग ऑफ एन, राइट। अब देखो ये जो लॉग ऑफ एन है ना, ये बिल्कुल टेन की एन की अपर रेंज के लिए भी ना, अपर रेंज के लिए भी फाइव के अराउंड आएगा। इसका डिस्कशन भी हम लोगों ने करा था जब सी पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, एन इक्वल टू अगर कभी टेन पर नाइन रहे तो मान के चलना ये नियरली टू पर 32 के ऑर्डर का है, राइट, मैक्सिमम एक अपर बाउंड बता रहा हूँ। तो मैंने बोला लॉग ऑफ एन किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ एन आएगा लॉग ऑफ 232, राइट, ऐसा। तो ध्यान से देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, 32 के इक्वल। अब ये 32 के इक्वल हो गया, बाहर वाला लॉग लगा हुआ है, राइट, तो 32 किसके इक्वल होता है, टू रेस पर 5 के इक्वल, राइट। सो मैंने बोला लॉग ऑफ टू रेस पर 5 इज इक्वल टू 5, यानी ये इसकी मैं अगर अपर बाउंड की बात करूं तो भी 5 आएगा, राइट, अपर बाउंड की बात करूं तो भी 5 आएगा। तो 5n मतलब नियरली, नॉट एग्जैक्टली बट नियरली ऑर्डर ऑफ एन में मैं प्राइम नंबर जनरेट कर रहा हूँ,
राइट, नियरली ऑर्डर ऑफ एन में। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है यार, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन इंटू लॉग ऑफ एन, राइट, एन इंटू लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो आप, उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई और इसका सोल्यूशन भी समझ में आया। तो यार अगर वीडियो पसंद आ गई है और यहाँ तक आप बने हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस का भी अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।